गए, हर तरफ व्हाइट ही व्हाइट है यार। चाय बनाई हमने यहाँ पे जो कल सीआरपीएफ के ऑफिसर्स ने। गुड मॉर्निंग फ्रॉम व्हाइट रन। व्हाइट रन में एक जगह पार्किंग मिल गई थी हमें जो कल सीआरपीएफ के ऑफिसर्स ने हमें यहाँ भेजा। यहाँ कल हमारा इस पार्किंग में स्टे था, ये यहाँ पे गार्ड भी कैंप लगा के होता है। यहाँ से हमें जाना है अभी बाहर, पहले यार दूध लेंगे फिर चाय बनाएंगे, यार घर की चाय पीनी है मेरे को मेरे हाथ की। दिस इज रन फेस्टिवल जो कि गुजरात के व्हाइट कच्छ में लगता है। अब चाय बनाई हमने यहाँ पे कच्छ के रण में, क्योंकि यहाँ चाय बिल्कुल बढ़िया नहीं मिलती है। यार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यार खुद ही कर लो बढ़िया, वैसे फ्रूट व्रूट तो हमने खा लिए थे। बढ़िया चाय वाय पी ली, ब्राउन ब्रेड खा ली थी साथ में, क्योंकि अभी नाश्ता बनाने का वक्त नहीं है और टाइम 12 बज गए हैं यार, लेट हो गए हैं और हमें आगे भी जाना है। जी परमिट है, परमिट वो राणा जी के पास जा रहे हैं विशाल। मिस कर दिया आपको चाय पिलाते, राजस्थान वाली यहाँ नहीं मिलेगी दादा। सुना है अगर आपको प्रॉपर व्हाइट रन देखना है तो एक जगह है एकल रन करके, एकम पता नहीं, एकल रन करके जगह है एक, वहाँ कहते कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी भी नीचे उतार सकते हो। बचाऊ नाम की जगह आती है, बचाऊ से थोड़ा सा आगे है वो रन। ये छोटी थार और ये बड़ी थार, लेकिन ये यहाँ तक ही जा सकती है, इसके आगे परमिशन नहीं है, और ये गाड़ी लेके अपने आगे तक भी जा सकते हैं। रन के अंदर जाने का मेन गेट है, लेकिन इससे आपको इन्हीं के व्हीकल से जाना पड़ेगा। एक तो ये कैमल के ऑप्शन है, एक ये देखो इनके ऊपर बैठ के भी, और एक जो एटीवी राइड्स हैं उनके थ्रू भी जा सकते हो। और यहाँ पे एक मिनी थार सी बना रखी है कि आप थार लेके भी जा सकते हो। लोकल पुलिस वाले ऑफिसर ने बोला कि यार आप ना पैदल जाओ, ज्यादा मजा आएगा, टाइम लिमिटेशन भी नहीं होगी, इनके पास सिर्फ 10-15 मिनट लेके जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और इनको इतना पे करोगे इससे बढ़िया पैदल जाएंगे। 1 किलोमीटर तो है, कम से कम आधा घंटा बिता के तो आएंगे व्हाइट रन के अंदर अच्छे से, तो वो चीज का एंजॉय तो वही होगा, तो हम पैदल जा रहे हैं। बड़ी ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा, ये देखो ये सारा नमक है, एवरीबॉडी नमक बिल्कुल व्हाइट, हर तरफ व्हाइट ही देखने को मिलेगा। एंड इधर आगे की तरफ जाके शायद समंदर आ जाए। मैं खुद को बड़ा लकी मान रहा हूँ कि 100 डेज में मैंने ऐसी ऐसी जगह देखी है जिनके मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी। इधर आगे चल के बॉर्डर भी है पाकिस्तान का जो काफी आगे है। देखिए अजरब कितना शानदार नजारा, जिधर देखोगे हर तरफ व्हाइट ही व्हाइट है यार। बस एक ही बीच में एक ये एक रोड बनी हुई है जिससे आप पैदल आ सकते हो, या जिस भी व्हीकल पे आओगे उसमें लिमिटेशन रहेगी टाइम की, 10-15 मिनट ही आपको घुमाएंगे। क्या लोग एनिमल्स वगैरह को भी लेके आते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ उनके पैरों में भी नमक जाता है यार, कितना कितना एक तरीके से तो गलत ही है ये। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप या तो पैदल आओ, पैदल ज्यादा बढ़िया, पैदल चल के आओ, 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा और आपको हर तरफ ऐसा व्हाइट देखने को मिलेगा, इतना सुंदर सा व्हाइट, क्या बात है। इस जगह से जाने का मन नहीं हो रहा, जैसे आप स्नो में जाते हो, बर्फ में जाते हो, आपको सब कुछ व्हाइट देखने को मिलता है, और एक यहाँ व्हाइट देखने को मिलेगा। व्हाइट रन में भी जाके आए, एंड अभी फाइनली वक्त आ गया है यहाँ से वापस जाने का, तो जो कल वाला रूट था वो सेम रूट सेम आगे निकलेंगे। फुल करा रहे हैं गुजरात में, क्योंकि यार आपकी गाड़ी में हमेशा टैंक फुल रहना चाहिए, जहाँ आप जिस तरीके की जगह पे हम जर्नी कर रहे हैं। और आज फिर से धोलावीरा के रास्ते से जाएंगे, और ये इंसान ट्रेवल से टोटली पक चुका है, ये देखिए। मेरा तो बड़ा मन था इसको कच्छ में छोड़ जाऊं। ये आज हमारे दोपहर का लंच, अब इधर तो भैया जो मिलता है वही ठीक है, तो जिस तरीके के हालात है ना भाई, फेस वे सब काले से पड़ गए हैं, इधर की हालत है। समुंदर साइड मैंने सोचा था शायद थोड़ा तो नॉर्मल वेदर रहेगा, बट यार इधर तो बहुत ही गर्मी है, इतनी चिलमिलाती गर्मी है इधर, रणो कच्छ में तो झुलस गए। वो अपनी गाड़ी खड़ी और मैं आया हूँ इसके किनारे, इस जगह से प्यार हो जाएगा, इतनी खूबसूरत जगह है ये। ओ यार मन ही नहीं भरता यहाँ के, तो मैं दोबारा आया हूँ इस रोड पे, और यही अपना वैसे रूट बन रहा है वापस जाने का। एवरीबडी ये यहाँ पे पक्षी मरा पड़ा है, ये जो हमने अभी रिसेंट में देखा वो सेम, एंड ये देखो इसकी चोंच कितनी मोटी होती है यार। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल किनारा साइकिल, यहाँ तक पानी नहीं था, ये पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है हवा के साथ में, अभी वो हवा के साथ में ये पानी बहता हुआ आगे की तरफ जा रहा है,
और हवा यहाँ पे काफी तेज चल रही है। मैं चाह रहा था कि मैं ऐसे कोई किनारे पे गाड़ी लगाऊं और दो चार शूट लूं, लेकिन कोई और गया नहीं तो वैसे मेरे में गट्स आए नहीं। इस तरफ समंदर, इस तरफ समंदर, बीच में हमारी थार और ये रोड। और आपका भाई क्या शानदार जगह है यार, इधर आके दिल ही नहीं भरता है। एंड मेरे को पता है इसके बाद मैं पता नहीं कितने सालों बाद यहाँ आ पाऊंगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा ब्लॉग कर लेता हूँ बढ़िया से और इस जगह को एंजॉय कर लेता हूँ। इसके बाद तो पता नहीं कब वक्त लगेगा यार। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में ऐसे कैप्चर होते हैं जिनको आप दोबारा, वो मोमेंट आपको नहीं मिलेंगे, आप मिस करते रह जाओगे यार। ये रोड, ये दोनों तरफ समंदर, ये एक तो रण ऑफ कच्छ में धोलावीरा में है और दूसरा राम सेतु में है। अभी स्टार्ट करेंगे और इस गाड़ी में मतलब अभी हवा भरेंगे इसमें क्या एक लाइट भी रहती है, ऑप्शन है, काफी अच्छी चीज है, आप लोग भी ले सकते हो। अब इसका प्रेशर जा रहा है 30 के आसपास। एवरीबॉडी धोलावीरा आ गया है, लेफ्ट साइड में ये वाला रास्ता है धोलावीरा के लिए और ये सामने एक होटल है। एंड ये होटल है, इसमें चाय भी नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं फिर ऊपर की तरफ हाईवे, और मैंने गाड़ी नीचे उतारी है ये शॉट लेने के लिए। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल सी शांत सी रिवर है, बहुत ही शांत सी, बहुत ही मतलब पीस है यहाँ पे। इतना पीस है कि मेरा मन कर रहा है मैं आज यहीं कैंपिंग कर लूँ।